हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली के क्लीन और ग्रीनरी सिटी द्वारका में अगर आप भी बढ़िया लोकेशन में, एक अच्छे लोकेशन में अगर आप देख रहे हैं अपने लिए एक सपनों का घर, चाहे वो 3 BHK हो या 4 BHK हो, तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसे ही प्रोजेक्ट लेके आया हूं। और जैसे कि आपको सभी को पता है, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली NCR के रेगुलर जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मैं डिटेल आपसे शेयर करता रहता हूँ। और आज ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को लेके आया हूं जो कि ऑर्चिड ग्रुप का रहने वाला है और जो सेक्टर रहने वाला है द्वारका, सेक्टर 24। तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहें, ज्यादा जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली के एक रोहिणी के बाद अगर एक पॉश कॉलोनियों में और एक ग्रीनरी और क्लीन सिटी में द्वारका का नाम आता है। और द्वारका की कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो द्वारका जैसे गुड़गांव से कनेक्ट है और UER से कनेक्ट है और आपके द्वारका एक्सप्रेसवे से भी अब ये कनेक्ट होने जा रहा है, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से द्वारका एक प्राइम लोकेशन में गिना जाता है। तो दोस्तों, ऐसी एक लोकेशन पे मैं आप लोगों के लिए 3 BHK और 4 BHK लेके आया हूँ जो कि रहने वाला है द्वारका सेक्टर 24 में। यहाँ पर आपको 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स आपको अवेलेबल होने वाले हैं। और अगर इनमें क्योंकि द्वारका जहाँ सेक्टर 24 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनने वाले हैं, ICC इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर प्रपोज्ड है, वो कुछ ही महीनों में यहाँ पर ऑपरेशनल में आ जाएगा और 5-star होटल भी वहाँ पर बन रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन भी है और सबसे बड़ी बात, सबसे इसकी खासियत ये है UER और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी। UER यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि सोनीपत से कनेक्ट होता हुआ, आपका रोनी से कनेक्ट होता हुआ आपके द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो रहा है। और द्वारका एक्सप्रेसवे से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर सेक्टर 24 द्वारका में ऑर्चिड ग्रुप आप लोगों के लिए लेके आए हैं 3 BHK और 4 BHK जो कि 1.1 एकड़ में ये रहेगा। इसका 3 BHK अगर मैं साइज बात करूं तो 3 BHK आपको जो है 1850 स्क्वायर फीट में अवेलेबल रहने वाला है, क्योंकि वो 3 BHK प्लस स्टडी रूम आपको मिलने वाला है। दूसरा 4 BHK की अगर मैं बात करूं तो 2200 स्क्वायर फीट में आपको ये अवेलेबल रहेगा सारी एमिनिटीज़ के साथ, क्योंकि दोस्तों आज जो भी बिल्डर्स अपने इन सोसाइटीज़ को बना रहे हैं वो सभी इन सारी एमिनिटीज़ को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी क्या अप्रिसिएशन के चांसेस हैं। तो एक तो मैंने बताया कि कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है जो कि कनेक्टिंग होने वाला है एक्सप्रेसवे से ही, 1 किलोमीटर के दूरी पर भी नहीं है। दूसरा कि अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पर, काफ़ी सारे अपकमिंग द्वारका की एक पसंदीदा जगह लोगों की बनती जा रही है, क्योंकि जो द्वारका के लोग हैं दिल्लीआइट्स ज़्यादातर जो IT सेंटर में काम करते हैं, तो उनके लिए या एविएशन डिपार्टमेंट से जो भी लोग काम करते हैं तो उनके लिए द्वारका एक ईजी जगह पड़ जाता है अप डाउन के लिए। तो ऐसे ही द्वारका सेक्टर 24 की कनेक्टिविटी जैसे मैंने बताया तो काफ़ी अच्छी है। सबसे दूसरी बात, इस अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी ब्रीफिंग करता हूँ, तो रेरा सर्टिफाइड, रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। ऑर्चिड ग्रुप इसको लेके आए हैं जो कि G+11 ये फ्लोर होने वाले हैं और दो टावर इसमें बनेंगे A और B। अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट की तो इस प्रोजेक्ट की मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। 1.1 एकड़ में ये प्रोजेक्ट रहने वाला है जो कि ऑर्चिड ग्रुप जैसा कि मैंने बताया लेके आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। और इस 1.1 एकड़ में ये दो टावर आपको ये बना के देंगे जिसमें G+11 की माले की ये बिल्डिंग रहेगी और जिसमें आपको टोटल फ्लैट्स जो ये देंगे 88 फ्लैट्स आपको देंगे। एक टावर पर 44 फ्लैट्स होंगे, बी टावर पर 44 फ्लैट्स होंगे, ये तो फ्लैट्स आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। एमिनिटीज की बात करूं, चाहे वो बैडमिंटन कोर्ट हो, स्विमिंग पूल हो, जिम हो, तो वो आपको टॉप ऑन द रूफ आपको मिलने वाला है। और पहली बार ऐसे कॉन्सेप्ट पे आया है ये ऑर्चिड ग्रुप इसको लेके आए हैं। बताऊं कि रेट की तो ये किस रेट पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड होंगे, मात्र 13,500 पर स्क्वायर फीट के रेट से ये आप लोगों को दे रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और जिसमें आपका 3 BHK का जो साइज रहेगा वो 1850 स्क्वायर फीट रहेगा, 4 BHK का साइज जो रहेगा वो 2200 स्क्वायर फीट रहेगा। तो अगर आप भी देख रहे हैं दिल्ली में और वो भी द्वारका जैसे सेक्टर में जहां पर कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी फैसिलिटी रहेगी, तो आप मेरे हाईलाइटेड नंबर में मुझे कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपकी जो भी मैं अपडेट दूँ आप लोगों के लिए, जो भी मैं वीडियो शूट करूँ उससे आपको जल्दी वो अपडेट आपको मिले। थैंक यू सो मच।